डिग्री तो ले लेते हैं, लेकिन डिग्री के बाद आप अपनी पर्सनालिटी से किसी दूसरे को कैसे बता सकते हैं कि आप कौन हैं? लोगों को थोड़ा सा ना मिसकंसेप्शन है, वो समझते हैं कि एटीट्यूड क्या है, कि अगर आप थोड़ा सा अपना माथा ऊपर चढ़ा लें, थोड़ी सी वो कहते हैं ना तूरी चढ़ा लें, एक बंदा स्माइलिंग फेस है, वो बड़े प्यार से बात करता है, ये उसका एटीट्यूड है, ये उसका बिहेवियर है। लेकिन हम लोगों ने एटीट्यूड को कुछ नेगेटिव ले लिया है, हमें लगता है कि हम बड़े प्राउड शो करेंगे चाहे नॉलेज हो या ना हो। मुझे किसी ने कहा कि इंसान के इमेज की जो औकात है ना, जो एक लेवल है ना, उसका कोई चावल के दाने जैसा है। आप फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं उसकी तैयारी आपने अभी से करनी है। जनाब यहाँ पे आप लोगों ने अभी तक जितने भी ट्रेनर्स को सुना है, आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि बेसिकली सब लोग जो है ना, वो आपके एटीट्यूड के ऊपर काम करना चाह रहे हैं। आप डिग्री तो ले लेते हैं, लेकिन डिग्री के बाद आप अपनी पर्सनालिटी से किसी दूसरे को कैसे बता सकते हैं कि आप कौन हैं? आइडिया हो गया होगा आपको अभी तक, ठीक है, आपके इनर पे भी काम हो रहा है और आपके विजुअल अपीयरेंस के ऊपर भी काम होना बाकी था। तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि जैसा कासिम भाई ने आपको बताया कि ग्रूमिंग के हवाले से जब बात आती है तो मैं उसके ऊपर आप लोगों से एड्रेस करूँगी। हम एटीट्यूड के साथ आपका जो अटायर है उसको थोड़ा सा यू नो कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हम चाहते हैं जिस तरह एक स्पोर्ट्स पर्सन है वो अपने यूनिफॉर्म से बताता है कि वो स्पोर्ट्स पर्सन है, पुलिस के अटायर से पता चलता है कि वो उसका पेशा क्या है, डॉक्टर्स का अपना एक स्टाइल होता है, वो गाउन पहन लेते हैं जब ऑपरेशन थिएटर में जा रहे होते हैं। इसी तरह हमारे उस्तादा, हम बचपन में देखते थे कि हमारे उस्तादा को ऊपर एक गाउन होता था ब्लैक कलर का, और उससे पता चल जाता था ये टीचर है। और आजकल भी मैंने देखा है काफ़ी लोगों ने इस रूल को इम्प्लीमेंट किया है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और स्कूल्स में गाउन पहनकर जो है बता दिया जाता है कि ये आपके जो है मैनेजमेंट के लोग हैं या आपके उस्तादा हैं। वजह ये है कि आजकल आपको समझ में नहीं आते, लोगों ने अपने आप को इतना फिट्स रखा होता है कि पता नहीं चलता ये स्टूडेंट है कि टीचर है, राइट? तो अब आप लोगों ने भी उस दौर पे जाना है, और इस दौरान में हमने आपको बताना है कि आपने जो एटीट्यूड तो आपका ये लोग बिल्ड कर देंगे, लेकिन अब उसको अटायर से कैसे प्रेजेंट करना है। लोगों को थोड़ा सा ना मिसकंसेप्शन है, वो समझते हैं कि एटीट्यूड क्या है, कि अगर आप थोड़ा सा अपना माथा ऊपर चढ़ा लें, थोड़ी सी वो कहते हैं ना तूरी चढ़ा लें और अपने आप को कहें। बहुत सारी मैंने ख्वातीन लड़के ऐसे देखे जिनके अंदर बहुत एटीट्यूड होता है, लेकिन एटीट्यूड क्या है सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है। एक बिहेवियर का लेवल है, एक बंदा स्माइलिंग फेस है, वो बड़े प्यार से बात करता है, ये उसका एटीट्यूड है, ये उसका बिहेवियर है। लेकिन हम लोगों ने एटीट्यूड को कुछ नेगेटिव ले लिया है, हमें लगता है कि हम बड़े प्राउड शो करेंगे चाहे नॉलेज हो या ना हो, चाहे हमारा जो अटायर है वो हमारे प्रोफेशन का साथ दे रहा है या नहीं दे रहा, वो हमारा एक एटीट्यूड है। तो हमने अटायर के थ्रू ये बताना है कि आपका प्रोफेशन क्या है, उसके ऊपर हमारा फोकस होने वाला है। हम चाहते हैं आप जहाँ पर भी जाएँ आप माने जाएँ, पहचाने जाएँ। देखिए एक इंसान की जो यू नो इमेज का लेवल है ना, अगर मैं उसको कंपैरिजन करना चाहूँ, मुझे किसी ने बड़ी अच्छी बात कही थी जिसको शुरू में मुझे लगा कि गैर मुनासिब बात है, बट मुझे वो बात इतनी अच्छी लगी कि मैं कई बार कोट कर चुकी हूँ। मुझे किसी ने कहा कि इंसान के इमेज की जो औकात है ना, जो एक लेवल है ना, उसका कोई चावल के दाने जैसा है। मैंने उन्हें कहा मुझे डिफ़ाइन करें क्या कहना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा आपने कभी छिलके समेत चावल देखा है जिसको आप ब्राउन राइस बोलते हैं? मैंने कहा हाँ बिल्कुल देखा है। उन्होंने कहा उसको खाने से पहले उसको देर तक भिगोएं, उसको दो बार उबालें, फिर वो जाकर खाने के काबिल होता है। तो जो इंसान है ना, जिसने अपना एटीट्यूड नहीं बनाया, जिसने अपने अटायर से अपनी विजुअल अपीयरेंस के ऊपर काम नहीं किया, उसकी ज़िंदगी जो है ना वो बिल्कुल उस चावल के दाने जैसी, रगड़े खाते रह जाएंगे, वहाँ नहीं पहुँचेंगे जहाँ पहुँचना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर एम्प्लॉयर जो है ना वो इन्वेस्ट कर रहा है, आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसके अदारे को, वो क्या सोच कर आपके ऊपर इन्वेस्ट करें। जैसे सर ने भी कहा कि आपके पास तालीम होनी चाहिए, रेलेवेंट जो भी आप कर रहे हैं तो हम आपको रख लेंगे जॉब पे, आप हायर हो जाएंगे। लेकिन आप मुझे ये बताएं, क्या आप वहाँ पर रहते हुए तरक्की कर सकेंगे? तरक्की आप उस वक्त कर सकेंगे जब एम्प्लॉयर आपके ऊपर इतना ट्रस्ट रखता होगा, वो कहेगा ये वो बंदा है जो मेरा नाम रोशन करेगा। आपके चार ढाल, आपका बोलने का तरीका, आपका अटायर, आप रिप्रेजेंट करेंगे उस अदारे को, वो बंदा कहेगा ये है वो जो मेरे साथ चल सकता है, फिर जाहिर है वो आपके ऊपर इन्वेस्ट करेगा। सो आपने ये कोशिश करनी है, आपके एटीट्यूड के ऊपर जितना भी काम होगा, आपके बिहेवियर पे काम होगा, खुदा का वास्ता है आपने अटायर को पीछे नहीं छोड़ना,
आपके विजुअल अपेयरेंस जो है ना, दैट इज़ एवरीथिंग फॉर यू। आप फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं उसकी तैयारी आपने अभी से करनी है। जो आपका प्रोफेशन है, अपने रोल मॉडल्स को देखिए किस तरह से कैरी करते हैं। हाइजीन का बड़ा रोल है। खाली अटायर नहीं है कि रोज़ एक नया डिज़ाइन वाला जोड़ा पहन लिया लेकिन उसको कई दिन तक इस्तरी नहीं किया, कोई परफ्यूम नहीं लगाई, धोया नहीं और कहा कि जी मैं तो बड़े स्टाइल में हूँ, ऐसे नहीं होता। यहाँ पे लोगों को एक और बड़ी गलती करते हैं कि वो कहते हैं कि जी कपड़े की ज़िंदगी कम हो जाती है, कम धो। वो इसी आड़ में कई बार एक सूट को बार बार इस्तरी करके पहने जाते हैं पर स्मेल नहीं जाती। और ये खुद के ऊपर जुल्म कम है, ये दूसरे पे बहुत ज़्यादा जुल्म है जिनके साथ आपने बैठना है, जिनके साथ आपने बात करनी है, क्योंकि यहाँ पर आप अपना इमेज बिल्कुल ज़ीरो कर देंगे, आपके उस ड्रेस की कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहेगी। सो परफ्यूम का इस्तेमाल हाइजीन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है और सफाई सुथराई बहुत इम्पॉर्टेंट है। सफाई निस्फ ईमान है, सोचिए इसका दर्जा किस लेवल का है। सो ये चीज़ें आप लोगों ने इग्नोर नहीं करनी, इसके ऊपर हम आपको हर चीज़ के बारे में बताएंगे। बीइंग अ प्रोफेशनल, कौन सी कलर पैलेट आपने फॉलो करनी है, लबास का टेक्सचर कैसा होना चाहिए, फैब्रिक कैसा होना चाहिए, किस मौके पे किस तरह का लबास कैरी करना है। इंशाल्लाह मेरी दुआ है और मुझे उम्मीद है कि जब हम आपके ऊपर इतनी वर्किंग करेंगे तो आप सही पॉलिश होके यहाँ से निकलेंगे। आपके बारे में सर ने बिल्कुल ठीक कहा है, आप बड़े किस्मत वाले हैं, क्योंकि कासिम भाई हमारे बचपन में कहाँ ऐसी ट्रेनिंग्स होती थी, हमें कौन ट्रेनिंग्स देता था, और आज हम वो कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग इस मुहिम पे कामयाब हो जाएं। बस दुआ में याद रखिएगा और हमारे साथ रहिएगा, इंशाल्लाह अल्लाह बहुत बेहतर करेगा, हम आपके साथ हैं। थैंक यू।